प्रांत व्यापी हड़ताल के तहत नरसिंहपुर जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है। इनकी लगातार हड़ताल से जनपद जिला पंचायत सहित अन्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने लगे। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने बीते दिनों से अपनी मांगों के निराकरण के लिए अपर सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश शासन के नाम डिप्टी कलेक्टर नरसिंहपुर सौंपा था। गौरतलब है कि जनपद और जिला पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर्स 15 वर्षों से कार्यरत है और लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। हम लोगों की अभी ये पिछले माह जो ACS मैडम ने आदेश निकाला था, वो आदेश निरस्त कराने की हम लोगों की मांग है। और जिला जनपद में जो ऑपरेटर कार्यरत हैं, उनके लिए जो एक आदर्श सेटअप लागू किया गया था, उस आदर्श सेटअप को लागू करते हुए सभी को जो है वो स्थायीकरण की नीति में लाया जाए। अभी ये गौरी सिंह मैडम का जो आदेश निकला है, उसके हिसाब से सभी को अलग कर दिया गया है। हम लोग पिछले 10-10, 12-12 सालों से काम कर रहे हैं, अभी हम लोग मजदूरी की श्रेणी में आ गए, तो ये प्रमोशन ना होकर डिमोशन कर दिया हमारा, एक तो ये है। दूसरा, हम लोग दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आ रहे हैं, तो हम लोग 10 वर्ष बाद जो है वो नियमितीकरण की श्रेणी में हम लोग दावा रखते हैं। तो इस चीज़ को ना करते हुए उनने सीधा जो है वो हम लोगों को मजदूरी की श्रेणी में ला दिया है, जो कि आपत्तिजनक है। इस चीज़ में हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट केस भी दायर किया है। अभी देखते हैं, सोमवार को उसकी सुनवाई है, इसमें स्टे आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल वगैरह भी करेंगे। मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश देवनाथ, प्रदेश महामंत्री संदीप दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश प्रजापति और जिला अध्यक्ष संजय शर्मा सहित कई ने इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, नरसिंहपुर।